हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। तो आज बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है हेक्टर गेमिंग और ओमेगा भाई के बीच में। तो लाइक ये कंट्रोवर्सी बड़ी है जहाँ पे लाइक हेक्टर भाई ने स्ट्रीम किया था आज 15 मिनट का वो लाइव स्ट्रीम है। तो उसमें 40-45 मिनट तो लाइक ये पूरा एक्सप्लेनेशन में गया, तो आपको लाइक उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप जाके देख सकते हो, बट आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था और क्या कुछ हुआ था। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि लाइक कल अमित भाई ने स्ट्रीम किया था, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा था बहुत कुछ की लाइक उन्होंने कि कार्निवल गेमिंग छोड़ा है ये वो, तो वो भी आप जाके देख सकते हो अमित भाई का स्ट्रीम भी। एंड फिर आज अक्षत भाई ने अपने स्टोरी पे ये डाला था कि लाइक उन्होंने कार्निवल गेमिंग लेफ्ट कर दिया है, एंड उसके साथ रीज़न भी डाला था, रीज़न भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर मैं पढ़ने बैठा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लाइक एक्सप्लेनेशन का मतलब नहीं रहेगा, तो आप पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके मैं लगा दे रहा हूँ। और फिर इस पर ओमेगा भाई का रिएक्शन आया था अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर, 2-3 लाइक उन्होंने अपना रिएक्शन डाला था ब्रॉडकास्ट चैनल पर, वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसा कि मैं बोला, मैं लाइक पढ़ूंगा नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। फिर इसके रिएक्शन पे हेक्टर भाई ने आज स्ट्रीम किया एंड अमित भाई का, ओमेगा भाई का और अक्षत भाई का पूरा क्लियर कर दिया कि अक्षत भाई क्यों लेफ्ट किए कार्निवल गेमिंग। और ओमेगा भाई पे भी जो रिएक्शन था अक्षत भाई का, लाइक जो लेफ्ट किए उस पर ओमेगा भाई का रिएक्शन था, तो उस पर हेक्टर भाई का क्या रिएक्शन था, लाइक उन्होंने पूरा अपने स्ट्रीम पे अपडेट दे दिया है और क्या कुछ कहा था अपने स्ट्रीम पे, वो भी आप आगे देख सकते हो। अक्षय दादा, मैटर ऐसा था, हमारा बीएमपीएस खत्म हुआ, बीएमपीएस खत्म होने के बाद हमारी मीटिंग हुई। हमें ऐसा नहीं था कि भाई अगर अक्षय को खिलाना नहीं होता ना तो बीएमपीएस में उसको लेते नहीं, पहली चीज उसको पहले ही मना करते थे, ठीक है। हम चारों को, हम तीनों को उसके साथ खेलना था, इसलिए हमने बोला था बीएमपीएस क्या देखेगा, बीएमपीएस हम क्वालिफाई नहीं हुए, ठीक है। बीएमपीएस हम क्वालिफाई नहीं हुए, बीएमपीएस क्वालिफाई और हमें बोली कि हमें 4-man roster चाहिए, तो तुम डिसाइड करो तुम किसको निकाल रहे हो, ठीक है, शोभन या अक्षत। अब रही बात अक्षत, हमें था कि बीएमपीएस के बाद हम अक्षत को खिलाएंगे एंड बीएमपीएस के मैचेस के बीच में भी खिलाने वाले थे, सेमीज में या उसमें, बट हम वो फेज में ही नहीं आएगा, तो खिलाफ है हम हक दिए। 1.5 महीने से हम पहला पावर पे काम किए, पावर चला गया, उसके बाद शोभन आया, शोभन पे काम किए। अब बात आई कि या तो शोभन को चूज करो या तो अक्षत को चूज करो। अब हम 1.5 महीना अक्षत को, शोभन को दिए, ठीक है, 1.5 महीना हमने शोभन के साथ खेले, शोभन के सब कुछ सही किया है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बहुत बेकार प्लेयर वो है, जस्ट उस बेसिस पे नहीं किया गया कि भाई कौन बेटर है कौन नहीं, बट एक प्लेयर ने 3 महीने का ब्रेक लिया, 3 महीना कॉम्पिटेटिव के सिनेरियो से बाहर था एंड एक प्लेयर 2 महीना खेला है हमारे साथ, हमने उसको टाइम दिया, हमने उसको हर चीज दी वो पेज में, ठीक है। तो टीम डिस्कशन हुआ, टीम डिस्कशन में सबसे पूछा गया, मैंने सबसे पूछा कि तुम बता दो मैनेजमेंट ने ऐसा बोल दिया तो तुम्हें किसको चाहिए, टीम डिस्कशन में, ठीक है। टीम डिस्कशन में ये फाइनल हुआ कि एंड हमें नहीं पता, हमारा इवेंट आखिरी या नहीं है इसके बाद, ठीक है, हमें नहीं पता, हम आखिरी समझ के खेलते हैं हर इवेंट। तो हमने बोले, नियो ने बोला कि मुझे शोगन क्या जमेगा करिए, क्योंकि अभी वो अच्छा ही कह रहे हैं, सब कुछ बुरा किया नहीं उसने, तो किस बेसिस से उसको निकालेंगे, ठीक है। नियो ने अपना ओपिनियन दिया, गॉब्लिन ने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया, ओपिनियन में आया कि शोभन इन है एंड अक्षत आउट है। अक्षत ने हमें क्लियरली बोल दिया था कि अगर ऐसा कुछ, मैंने अक्षत को एंड मैंने एक सौ और से बात हुई थी तो मैंने बोला था कि खिला के देखते अक्षत होकर, ठीक है, पहले 10-15 दिन हम खिला के देखने आए थे, 15 दिन अक्षत में, 15 दिन शोभन में, उसके बाद बताने वाले थे, बट ऐसा हुआ कि लटका के नहीं रखना था। अक्षत ने हमें बोले लटका के मत रखो, हो पाया तो अभी क्लियर कर दे क्योंकि मुझे लटके नहीं रहना। तो बस मैंने फिर बोला कि लटके आना सीन नहीं करना है, तो हमारा डिसीजन तो ऐसा है, तो मैंने उसको फाइनली बता दिया कि ऐसा का डिस्कशन है। एंड रही बात उसकी कि शोगन को दो महीना आया, शोगन को तो निकाले, 2-3 साल की दोस्ती आ रही, मैंने अक्षत को उसके बाद बिठाया था, ऐसी दोस्ती आ रही हमारी बात हो रही थी, तो मैं उसको ऐसा बोला अक्षत देखो तो बहुत टीम्स मिल भी आएगी, तो मतलब मैं उसको पॉजिटिव है, मैं उसको मोटिवेशन के टाइम पर ऐसा मोटिवेट गया था कि तेरे को तो बहुत टीम्स मिल भी आएगी एंड शोगन अभी निकलेगा तो वो फेस में नहीं है कि उसको कोई अच्छी टीम मिले, मुझे नहीं पता बट शायद उसको नहीं भी मिले करके, बट इसको तो रीजन मत समझ, रीजन सिर्फ ये है कि हम तीन का डिसीजन था अक्षत यार नहीं खेलने का, बिकॉज 2-3 महीने से कॉम्पिटेटिव का ब्रेक लिया, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इतना अच्छा, हमें ताकि पहला खेल के तो देखे, बट वो खेलने वाला फेज ही नहीं आया क्योंकि और ने बोल दिया एक को निकाल दो, सिंपल सी बात है। हमने जो था वो क्लियर कर दिया अक्षत को मुंह पे, जो था शोगन को भी क्लियर कर दिए, मैंने और के साथ भी क्लियर हो गया। अब रही बात अक्षत की ये बोलना कि 2-3 साल से था एंड जो भी था यार भाई तेरे लिए बहुत लोगों ने बुरा भी बोले, तेरे को बिठाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोले, ठीक है, ऐसा नहीं था कि नहीं था। एंड अक्षत ने ब्रेक नहीं लिया था, अक्षत ने बोला था कि मेरे को घर से खेलना है बीजेएमएस, तो मैंने उसको क्लियरली मना कर दिया नहीं तो घर से नहीं हो पाएगा, हमें एक प्लेयर को उठा के ट्राई कर दो। जब दोस्ती है तुम इतना भाईचारा करते हैं तब कर लेना चाहिए ना, अभी घर से खिला देना चाहिए तेरे को बीजेएमएस, क्या दिक्कत थी, समझ लो। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है गाइस, टीम डिस्कशन हुआ, उसने ब्रेक लिया
एंड उसके बाद हमें नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस, हमें नहीं पता था एक और इवेंट उसको देंगे तो वर्थ इट होगा नहीं होगा, नहीं पता था। एंड शोगन के लिए भी अनफेयर है, जितना फेयर जितना अनफेयर हो अक्षत के लिए उतना अनफेयर शोगन के लिए। उसको 25-30 दिन हुए आके, उसको सिर्फ 25-30 दिन हुए एंड उसने कुछ ऐसा बुरा नहीं खेला, फक नहीं किया टूर्नामेंट के अंदर कि हम उसको उस बेसिस पे निकाले। ये क्या बात होगी, मतलब अगर अनफेयर फेयर की बात करना है करके तो हम पुराने इस पे निकालेंगे ना, पास्ट के बेसिस पे कि 3 महीने तक नहीं था वो सीन में, 3 महीने तक शोगन था सीन में, तो क्या गलत एंड जिसको सही कोच के साथ। वो मेरा जो दो 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 साल करता रहता है ये बॉबिंग वाला, मैं पहले बता देता तो वो दो दो साल नहीं करता वो फिर, तो मैंने अब इसलिए आके बताया क्योंकि मेरे को कभी कुछ भी बाहर नहीं करना था। अक्षत को मैंने पहला मैसेज अभी लिखा थोड़ी देर पहले, सॉरी भाई कि मतलब मेरे को जनरली अक्षत के लिए बोला लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था अक्षत छोड़ देने, ठीक है। बट ओमेगा का बोलना बिल्कुल पॉइंटलेस था, बिल्कुल इतना जो बजाना पॉइंटलेस था, पॉइंटलेस। उसको डेफिनेटली मेरे से अच्छा प्लेयर मिलता, वो 2 सेकंड में मेरे को निकाल देता, 2 सेकंड में लिख के देता हूँ। इतने भाईचारा होता ना ऐसे कुछ तो आके हमसे बात करते भाई कि ये तूने गलत किया भाई, हमने मैं तो बोल रहा हूँ अक्षत को सॉरी लिखा कि भाई गलत था, बट ये क्या है मतलब स्टोरी वगैरह डालने वाला क्या है, मतलब क्या बच्चे हो गया ये चीज से दिक्कत है बस मेरे को, जो बोल रहे ना तुम कौन से दूध के दूल्हे नहीं थे कि तुम सच बोलते थे, तुम भी उसके बारे में क्या सोचते थे सोच लो। जो हो रहा है ओमेगा ने इतने डीएम्स किया है, ओमेगा मैसेज चला करता था ऐसा कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं खिला नहीं पा रहा हूं टीम को, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करोगे, डीमोटिवेट हो गए, समझ लो डीमोटिवेट उसने ओवेस पे टेक्स्ट फिक्स किया। तो भाई ओवेस का तो हक होगा ना कि पूछेगा टीम से कि भाई किसका कॉन्फिडेंस किसमें, एंड मेरा एक फॉर्म चल रहा है उस टाइम में, अच्छा खेल रहा उस टाइम में, तो क्या दिक्कत है इवेंट बैठ जाना, क्या दिक्कत है मैं भी 2 इवेंट बैठा हूं ना, क्या दिक्कत है, मैं तो बिना रीजन के बैठा हूं, कोई रीजन था जस्टिफाइड किया गया था, नहीं बैठा था एक रीजन, एक इवेंट बैठने में क्या दिक्कत थी, कौन सा कोई दूसरा बाहर का अपना आगे कोई बाहर का आगे खेल रहा था, अपने आगे खेल रहा था ना, बताओ अपना ही आगे खेल रहा था ना, कोई बाहर का था खेलने वाला, एंड उसके खुद के वर्ड्स थे, उसको खुद को उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बीजीएमएस के लैंड से पहले कोई आईजी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एंड सामने फिफ्थ बैठा है जो कि फिफ्थ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या उसको इन नहीं किया जाएगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, इसको घुमाओ मत इतना, मत घुमाओ, वेस्ट है घुमाना, वेस्ट, मैं क्लियरली बताऊंगा चीजें जो भी है, आंखों में आंसू डाल के बताओ या स्टेटमेंट पे बताओ भाई, बट बताओ जो भी था। एंड नई बात रुकने की फाइनेंशियली कि हम बहुत पहले निकाल चुके थे एक्टर को, मैं अपनी टीम एक्टर बना के खेल रहा था, मैं अपना वर्थ प्रूफ कर रहा था, मैं क्यों सीजी मैं फिफ्थ बैठ के भी खेल रहा था तो भी मैं अपना इवेंट खेल रहा था, एक भी इवेंट मिस नहीं कर रहा था, मैं इवेंट मिस हुआ चलेगा बड़ा ऑनऑफिशियल नहीं कर, मेरे को पता था कि आगे आगे बात भी हो सकती है, एटलीस्ट मैं कोई भी और ना सोने में कि बोली ना वो सीजन बोली हम तो निकालने का सोच रहे, इसलिए नहीं बोली जो तुम बोल रहे हो हम निकाल सकते थे, भाई कुछ नहीं निकाल सकते थे, निकालने के रेड टारगेट सिर्फ 2 ही थे, अमित बैंक ओमेगा, इन दोनों और में, दोनों और में डिफेंड करने वाले हम 3 थे, मैं बॉबी जन अक्षत बैंक छोड़ भूल जाते हो सब कुछ, किसी के लिए कुछ अगर बुरा लग रहा है तो माफ कर दो भाई, बट भाई कब तक सुन के ले गया, इतना नहीं अंदर से भाई, आंखों में उंगली डाल के आना ही पड़ता कभी ना कभी, तो आज ही सोचा अभी आ जाता बिना स्क्रिप्ट के आ गया, अगर स्क्रिप्ट में कुछ भी इधर उधर हुआ तो माफ करना, अच्छा खेलेगा। एंड ये कंट्रोवर्सी को लेकर सिड बाय ने भी अपने इंस्टा पे लाइक ब्रॉडकास्ट चैनल पे अपडेट दिया था कि लव मी और हेट मी बट मेरे राज्य में ये सब नहीं होता था, और बहुत कुछ लाइक बोला है जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो ये था पूरा कंट्रोवर्सी का ओवरऑल, और बाकी आपको क्या लगता है इसमें कौन सही है, बट ओमेगा भाई भी अभी स्ट्रीम करेंगे तो उनका भी POV देखना ज़रूरी है, बट आपको क्या लगता है कौन इसमें सही है आप एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ। बाकी आपको कार्निवल गेमिंग का और किसका किसका ये चैनल पे अपडेट चाहिए एक बार मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि कार्निवल गेमिंग भी स्क्रिम्स खेलना स्टार्ट कर दे और काफ़ी अच्छा खेल रही है, अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप एक बार कमेंट कर देना यस करके, तो आपको मिलता रहेगा डेली, और किसका किसका चाहिए एक बार कमेंट कर देना आपको डेली मिलता रहेगा। तो बस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग।